चाचे, हाँ भाई। एक सुभाष है कोई, हाँ वो वीडियो बता दूँ। वीडियो है अपनी जो हरिश्चंद्र का प्रकरण नहीं बनाया था बनाया था अपन। हाँ शरुवाला, वो भंगी के घर वो करे हैं, हाँ तो ये उन्होंने लिखा है सुभाष है। हाँ जो भी है, हम इसका लिखनिया का मैं तो देख सम्मान करूँ कि मैंने कि मैं बुझ हाँ रहा चौ था। बड़ी याद बुझ है। हाँ, रोहिला जी, सतगुरु सतयुग में भंगी जाति नहीं थी। ये तो पंडित जी लक्ष्मीचंद जी ने रागिनी में भंगी शब्द प्रयोग किया है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। दादाजी, ये भी क्लियर करवाओ दादाजी पर, जातियाँ कब बनी? उस समय तो केवल चार वर्ण थे, भंगी शब्द कहाँ से आया? नहीं ठीक है। बुझा। वो भाई बहुत ठीक है कि उसने पढ़ा है किसन कुछ। हाँ हकीकत से अब जिस वक्त सृष्टि घट दी, हाँ सृष्टि ज्यादातर ब्रह्मा ने सरस्वती ने घड़ी हाँ और सृष्टि चलाई, फिर इलाके बन हो गया, कुद्रु के नाग वंश जन्म लिया, उसने उसका लिया, सतयुग तो चलता रहा, हिरण्यकश्यप के सब हो गए, कुछ बलवानों ने जन्म ले लिया, कुछ असुरों ने ले लिया, कुछ देवता ने ले लिया, मरीचि ब्राह्मण की जो राजा दक्ष की पुत्री दशेक उसका ब्याह दी थी, अच्छा। उनका दशांग हुए थे ये हाँ सृष्टि चलाने के राशि भाई, हाँ उसका उड़े शेष नाग हुए, उड़े फलाने हुए, वो तो आगे। हाँ तो यो भाई जो बुझनिया है, इसने बहुत जोर की बात बुझी है भाई, ज्ञान है धन्य है, तने भी ठीक बुझी है, हाँ और आगे इसने ख्यास करके भेज दियो वीडियो ने जो आजाड़ी ने आप सुन रहे हो सुभाष है, सुभाष। सुभाष जी। सुभाष जी भाई, जिस दिन राजा हरिश्चंद्र कायम हो गए। हाँ चाचा, एक बात कह दो इनने पहले हाँ भाइयों, जो भी यो कमेंट कर रहा है, मैं एक बात चाहूंगा, अपना पता भेज दिया रो थोड़ा थोड़ा। हाँ हमने बेरा तो पट अलवर है, ते बोल रहा है, यूपी ते कितने बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू भी ठीक करे आपने, हम के बतावांगे बिना बेरे। हाँ तो इस भाई ने तो ठीक बुझ ज्यादा, फिर हमारी बात सुनो भाई श्रोता, अच्छा। और आप भी दिमाग लाओ। वो सारा किस्सा हो गए, हिरण्य कश्यप के सब हुए भी खत्म हो गए, सतयुग में हुए, सतयुग में खत्म किए गए प्रहलाद होलका, तो आगे हाँ, सतयुग था। सतयुग था। तो जो वरुण पंडित जी है, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये तो आप रटो हो, इंद्र हाँ देवता, वरुण देवता, बृहस्पति देवता, विश्वा देवा देवता, रोज बाँचो हो ना, हाँ तो रोज की बात में हकीकत क्यों कर है, वह सतयुग में है, सतयुग में। हाँ सतयुग में है। तो वरुण का पुत्र उधारा लिए, हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं है, तो भाई वहां सृष्टि जाति बन गई। उड़ा कह दिया कि वरुण है, वरुण में तो कोई जाति है नहीं, वरुण वरुण हो गए बस है। तो उड़ा तो ब्राह्मण है, आपने ठीक पूछा, बंगी की तो सुन ली। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार थे। हाँ तो उड़े न्यू ब्रह्म ब्रह्म लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा, क्या जो वर्ण में वर्ण जो रचे वैसे ब्राह्मण, ब्रह्म वैसे ब्रह्म। ब्रह्म, ओहो और फिर छाती क्षत्रिय बाहुबल, ओहो और फिर पेट वैसे, हाँ और फिर तगड़ी से नीचे शूद्र, हाँ ब्राह्मण भी जाति तो नहीं है ना, पूछनिया जो पूछ रहा है, इसका पेटा तो दाऊं भरे, अच्छा, ब्राह्मण की जगह ब्रह्म कोई भी है। नहीं है ना जाति, तो हाँ इसने ठीक नाट्या है यू भाई, हाँ भंगी जाति है नहीं सतयुग में, हाँ तो जाति तो ब्राह्मण भी नहीं है, वह भी पूछनी थी वाह, ना नहीं भाई तो ने, फिर वाह भी ना है। वह भी ना है, वाह है तो वाह भी है। वह भी है, ब्रह्म है ना, ब्रह्म ब्रह्म है, ब्राह्मण गिन लो, और सारी सृष्टि ब्रह्मा ने चली थे, सारे ब्रह्मा के, हाँ ब्रह्मा से नारा सह कौन सा, कुछ भी नहीं। ये तो पाछा जाति तो बहुत पाछा आई है, रीप से ही और बन लाग रही है, बड़े काला कर रामदास ये बना दिए, मरमदास ये बना दिए, जादास ये बना दिए, इनका रोड़ा उड़ा कौन है जातिया ना, तो को
जाति तो उदन ब्राह्मण भी को ना के वो एक वर्ण ब्राह्मण सतदारा उसने मुरमाना चाया मार के बलि चढ़ाओगे पकड़ मन की चले जाओगे तो वो कद था उसका भी तो पूछना चाहिए था ना आपने मेरे श्रोता बने हडो हड़ बुझो ना ये बात सारी तो उड़े बंगी जाति बन दी हरीश चंद्र के टाइम में सारी चीज बन दी उड़े बनी है शहर बस लिए ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण बन गए ये क्षत्रिय हैं ये यह रक्षा करांगे हरीश चंद्र खुद कौन है बुझण तो लाग गए अक्षत्रिय है अगर नहीं है रामर का बड़ा सहक नहीं उसे में रघुकुल में है तो रघुकुल सतयुग का चलिया है कोई आड़े त्रेता में थोड़ा चलिया आ गए कौन मानो बिल्कुल बिल्कुल त्रेता में तो नाई की रहेगी तेल के लिए लाई जाती बढ़ रही थी उड़े तो हाँ बिल्कुल तो उड़े भी जाती बन गई ना गंगा माई भी सतयुग में प्रकट कर दी भागीरथ ने सतयुग में है वो कितने त्रेता में है पर में आ रहे हैं विषम पिता मार नाम कोई बूझ जा हाँ। आप जो मैं कह रहे हूँ तो गए नहीं विषम भागीरथ रहे गंगा जो ले आने वाले थे भागीरथ है भागीरथ ऊपर ले है कई सोनी अश्वे सोनी है गोनी है तो रघुराज से खुद तो ये सतयुग में तो है त्रेता में तो दलीप आ गया भाई ये ओके था और दशरथ वाला बाबू के था उसने जन्म अजू के था अजू 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 अरे भूलांगे के नहीं मेरे यार रखेंगे ने अजू था दशरथ था रामचंद्र जी था लक्ष्मण थे शत्रुघ्न थे भरत थे फलाने थे लकड़े थे मुकड़े थे लाउर कोश हो गए वो तो त्रेता ने पकड़ रहे हैं तो उससे पहले तो यह पीढ़ी भी तो जात में आ गई अक्षत्रिय में अक्षत्रिय थे तो भंगी क्यों ना थे उनका सम्राट कौन है तो जिस वक्त हरिश्चंद्र उसका भगवान तेगा पकड़ा है जाकर उसके आँख बांध के नारे पर मरवाव है उड़े भाई बिल्कुल भंगी के घर है कालिया भंगी है इसमें कोई दोराई बात नहीं जाति बन चुकी थी हर भाई घनाए कबूट देख कर सारा ज्ञान घूट रहे हो तो भाई मारा दोनों बैठ कर बात करो हम भी मान जाएंगे कोई न्यू थोड़ा हम नहीं मानेंगे हाँ भाई तू सच्चा है तू लेख लेख रहा है भाई हम तो लेख देख जान दे नहीं अनपढ़ जान सतयुग के शुरुआत में नहीं थी नहीं थी हरिश्चंद्र के कोई कहूँ हूँ मैं ब्रह्मा दर चेने चे गया सृष्टि से ना बनी सृष्टि का सबसे छोटा बेटा 27 बेटे पुत्र जामे सरस्वती ब्रह्मदेव ने 27 हम सबसे छोटा मनु है नारद शिखंडी राजा दक्ष भाई यो जरा बेसरवार फलाना दरबार ढकड़ा मरवा दे चेरी शीर करा के क्यों हुए हैं तो सतयुग में देख ब्रह्मा का पुत्र दे चेरी शी है सारा देश ने बेरा है दिद्ध चेरिशी था ब्रह्मा का जाया जिसने राम नाम ते सोपी काया भाई ऋषियों का कहन पगाया उसने काया छोल के ने अपने हथियार काट के दे दिए ओ सतयुग में है किस कि चो दानिया की